गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर थर्ड मैथ हाउ मैनी स्क्वायर ये पढ़ेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ेंगे उसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना इसमें ना पैरामीटर और एरिया क्या समझना है हमें। चैप्टर का नाम क्या है, नाम क्या है चैप्टर का, और इसमें पढ़ेंगे हम पैरामीटर पढ़ेंगे, एरिया पढ़ेंगे, ठीक है, और काउंटिंग ग्रिड्स, कैसे एरिया को मेजर किया जाता है, एरिया का बेसिक तरीका होता है ना मेजर करने का, वो सीखेंगे। वैसे हम अगर सिक्स क्लास में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, एरिया को अलग अलग तरीके से मेजर करना सीखते हैं, ठीक है। इसमें एरिया किस तरीके से मेजर होगा वो थोड़ा डिफरेंट मेथड है। हम स्क्वायर्स को काउंट करके किसी भी डायमेंशन का एरिया समझेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? तो सबसे पहले ना शुरुआत करते हैं चैप्टर की पैरामीटर और एरिया उसकी डेफिनेशन से, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है आप में से किसी को पता है, पैरामीटर क्या होता है, थोड़ी सी नॉलेज। जानवी खड़े हो जा, पैरामीटर के बारे में पता है कुछ? नहीं पता, लास्ट टाइम नहीं पढ़ाया था मैंने फोर्थ क्लास में। कार्तिक आपको पता है? नहीं पता। किसी को पैरामीटर के बारे में कुछ पता है क्या? देखो लेंथ ऑफ बाउंड्री, क्या लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या होता है पैरामीटर। तो पैरामीटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पैरामीटर इज द लेंथ ऑफ लेंथ दैट फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ एन एरिया टेल्स द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। मीन्स सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या होता है पैरामीटर। और एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया भी नहीं पता। देखो जो ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे कि ये है रजिस्टर, अब इस बोर्ड पे जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या कर रहा है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब जितना स्पेस कवर कर रहा है, सिंपल सी स्पेस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जो स्पेस कवर किया जा रहा है वो उसका क्या होता है, एरिया होता है, क्या होता है। अब मान लिया जाए इसमें आपको क्या करना है, आसपास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें आपको बाउंड्री से टैपिंग करना है, इसकी बाउंड्री पे, इसकी बाउंड्री पे क्या करना है, तो इसकी बाउंड्री के टैपिंग में जितना टैप यूज होगा, जितनी टैप की लेंथ यूज होगी वो क्या हो जाएगा इसका पैरामीटर। एरिया और पैरामीटर में डिफरेंस समझ में आया, क्या समझ में आया? देखो एरिया क्या होता है, ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका क्या होता है, एरिया होता है। और पैरामीटर क्या होता है, बाउंड्री, बाउंड्री है ना, बाउंड्री की लेंथ वो क्या हो जाती है पैरामीटर। देखो पता है आपका ना ये चैप्टर अच्छे से समझना, क्योंकि ये चैप्टर सिंपली रिलेट करता है, किससे रिलेट करेगा ये चैप्टर हमारा, ये चैप्टर चैप्टर 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री। इसमें बेसिकली हमें समझना क्या है, हाउ मैनी स्क्वायर समझना है। जैसे इसमें सवाल किस टाइप से बनेंगे वो भी समझेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर डायरेक्टली रिलेट करेगा किससे, चैप्टर 11 से। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आता है, इसमें कुछ फॉर्मूले लिखवाए जाएंगे वो आप चैप्टर 11 में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसकी क्या लिखवा दूँ, डेफिनेशन लिखवा दूँ। आप सबकी बुक में वैसे डेफिनेशन है इसकी,
और जो चीज़ आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछी जा सकती है, जैसे इस पे डैश लगा दिया मैंने, इज़ द लेंथ पैरामीटर इज़ द लेंथ दैट फॉर्म्स द बाउंड्री That forms the boundary of an area. ये समझ में आई? पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर इज द लेंथ दैट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ एरिया. किसी एरिया की जो बाउंड्री, क्या बोला मैंने, किसी एरिया की जो बाउंड्री लेंथ फॉर्म करती है वो क्या होता है? पैरामीटर होता है. इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं हम, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री. सिंपल सी लैंग्वेज में बोलेंगे हम, या तो इसको बोल देना. याद रखने के लिए सिंपल सा चीज़ हम क्या पढ़ सकते हैं इसमें, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. समझ में आया? आप क्या समझेंगे? थोड़ा मैंने किसके बारे में वाला बताया था अभी, एरिया के बारे में. एरिया के बारे में क्या बताया था मैंने, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है वो क्या होता है? उसका एरिया होता है. तो एरिया की डेफिनेशन लिख लो, एरिया इज द मार्कर, ब्लैक यूज करते हैं ठीक है, द एरिया इज द एरिया इज द रीजन enclosed by the boundary of closed figure. डेफिनेशन पढ़ने समझ में आ रही है थोड़ी? द एरिया इज द रीजन, रीजन का मीन्स क्या होता है? क्षेत्र या जगह, किसी जगह के द्वारा एनक्लोज्ड यानी कवर करना, एनक्लोज्ड की जा रही है बाय द बाउंड्री, बाउंड्री के द्वारा एनक्लोज्ड किया जा रही है ऑफ क्लोज्ड फिगर, किसी क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री के द्वारा जो रीजन एनक्लोज्ड किया जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? एरिया. और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, कनक खड़े हो जाओ, सिंपल डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, अभी बताया था, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया. क्या बोल सकते हो इसकी जगह? स्पेस Occupied by an object is called its area. समझ में आ रहा है? नोट कर लियो, नोट कर लो सभी, पॉज कर दिया कर, पॉज.